हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको पोको M4 Pro को कंपेयर करने वाला हूँ Realme 9i के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या क्या डिफरेंसेज हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पोको M4 Pro से। तो इसमें आपको जो 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, एंड Realme 9i में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, दोनों ही में आपको 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है। जो ब्राइटनेस है, आपको पोको M4 Pro में 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, एंड Realme 9i में आपको 480 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। दोनों ही में आपको 4G नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही में जो प्रोसेसर है, वो आपको पोको M4 Pro में MediaTek का Helio G96 मिलता है, एंड Realme 9i में आपको जो है वो Snapdragon 680 वाला चिपसेट मिलता है। यहाँ पे रैम एंड रोम सपोर्ट में आपको पोको M4 Pro में अप टू 8GB रैम एंड 128GB रोम सपोर्ट मिलता है, एंड Realme 9i में अप टू 6GB रैम एंड 128GB रोम मिलता है। दोनों ही में आपको वर्चुअल रैम मिलता है। पोको M4 Pro में आपको 3GB वर्चुअल रैम मिलता है, एंड Realme 9i में आपको 5GB का वर्चुअल रैम मिलता है। यहाँ पे पोको M4 Pro में 64MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड कैमरा एंड 2MP का माइक्रो लेंस, एंड Realme 9i में 50MP का मेन कैमरा, 2MP का माइक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलता है। दोनों ही में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। दोनों ही में आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है, और दोनों ही में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। और पोको M4 Pro में आपको MIUI 13 का अपडेट मिलता है, एंड Realme 9i में आपको Realme UI 2.0 का अपडेट मिलता है। दोनों ही में आपको Android 11 मिल जाता है। दोनों ही में आपको डुअल स्पीकर दिया गया है। दोनों ही में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, एंड पोको M4 Pro में आपको सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है, एंड Realme 9i में डुअल बैंड वाईफाई मिलता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। पोको M4 Pro में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एंड Realme 9i में आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं। पोको M4 Pro में आपको 6GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 14,999 रुपीज़, एंड Realme 9i का प्राइस है 4GB रैम एंड 64GB का 13,999 रुपीज़। सो गाइज, इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करने के बाद Realme 9i एंड पोको M4 Pro, आपको परचेस करना चाहिए पोको M4 Pro, क्योंकि इसमें आपको जो है वो AMOLED डिस्प्ले मिलता है, इसका ब्राइटनेस जो है 1000 निट्स का मिलता है, प्लस इसमें आपको जो है वो MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर मिलता है, जो Snapdragon 680 से 23-27% जो है वो बेनिफिट बूस्ट मिलता है N22 स्कोर में, तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा इसमें। प्लस इसका जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ ज़्यादा है, लेकिन इस प्राइस पे आपको जो है वो बहुत कुछ जो है वो स्पेशल मिलते हैं इन कंपेयर टू Realme 9i। और इसमें जो कैमरा दिया गया है वो आपको 64MP का रेयर कैमरा दिया गया है, जो Realme 9i में 50MP का दिया गया है। सो गाइज, इन सभी को देखते हुए अगर आप 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंड करते हैं तो आपको जो है वो पोको M4 Pro मिलेगा, जिसमें आपको जो है वो बहुत कुछ जो है वो काफ़ी एडवांस फीचर्स और स्पेक्स मिलते हैं इन कंपेयर टू Realme 9i। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।